हेलो दोस्तों, आरसी के टेक ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप सीएससी लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन करेंगे या लैपटॉप में, दोनों में गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सीएससी अप्लाई सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देख सकते हैं सीएससी न्यू रजिस्ट्रेशन तुरंत आईडी प्राप्त करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन ओपन ऑन ग्राहक सेवा केंद्र विदाउट एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट और एग्जाम के, आप तुरंत आईडी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यू नीड टू पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 990 रुपये ओनली फॉर लाइफ टाइम के लिए आपको 990 रुपये देने होते हैं। उसके बाद आप सीएससी से अपना वर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है सीएससी रजिस्ट्रेशन। इट इज़ ए सिंपल टू इजी प्रोसेस टू ओपन योर ग्राहक सेवा केंद्र। नीचे की तरफ फिर वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास क्लिक टू रजिस्ट्रेशन। वीडियो के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू रजिस्ट्रेशन। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखते रहना स्टेप बाय स्टेप, तभी आपके समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, डिजिटल सेवा सेंटर खुल गया मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपने क्षेत्र में कमाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं बैंकिंग सर्विस से, बिल पेमेंट सर्विस से, गवर्नमेंट सर्विस से, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फिलिंग सर्विस से और ट्रैवलिंग सर्विस से। यहाँ बीकम टू डीएससी एजेंट आपका नंबर भी दिया हुआ है एजेंट का, जो उससे आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर से आप अपना सोल्यूशन पा भी सकते हैं दोस्तों। फिर वीडियो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास खुल के आ गया दोस्तों। इस फॉर्म में अपना फुल नेम डालना होगा जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, और फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी सिलेक्ट सिटी, आप जिस सिटी से हैं अपनी सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर अपना डाल लेंगे, पैन नंबर अपना डाल लेंगे, अपना एड्रेस डाल लेंगे। तो दोस्तों, आपको हम प्रैक्टिकली बताते हैं कि सीएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे चलो अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं। मेरा नाम जैसे कि रवि है तो मैंने अपना नाम रवि डाल लिया। अपना नाम यहाँ पे एंटर करने के बाद वीडियो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों, फिर वीडियो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद वीडियो को ऊपर किस तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल ली मैंने दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। फिर यहाँ पे स्टेट अपने सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है, जिस स्टेट से आप सीएससी लेना चाहते हैं दोस्तों अपनी। यहाँ पे मेरी यूपी है तो मैंने यूपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर सिटी अपनी, जिस भी सिटी से भाई लोग आप हैं वहाँ अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आपकी सिटी लगती हो वो यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मेरी जो सिटी है मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप जो भाई सीएससी जिस नाम से लेना चाहते हैं आप वही आधार नंबर यहाँ पे आप इंटर करेंगे, ना कि दूसरे का कोई आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है दोस्तों। तो अपना आधार यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पे पैन नंबर इंटर करने के बाद, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे एड्रेस अपना एंटर कर लेंगे दोस्तों, ये एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करने लेना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी से आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे प्रोसेस एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हम पूरा फॉर्म अपना फिर से देख लेंगे। हाँ, सही से डिटेल भरी हुई है। फिर प्रोसेस एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, वी काइंडली रिमाइंड टू मेक योर पेमेंट टू एक्टिव योर आईडी एज सून एज पॉसिबल टू अवॉइड कैंसिल ऑफ योर रजिस्ट्रेशन विथ इन अ फ्यू डेज इफ यू हैव टू अप्रिशिएट योर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए हम दोस्तों जिस चीज से पेमेंट करना चाहें उस मेथड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैंने UPI सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी और मेरा नंबर भी देखो दोस्तों दिया हुआ है। यहाँ पे एजेंट का नंबर भी नीचे दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोसेस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा हमारे पास, वहाँ यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। तो कितना ही आसान था दोस्तों रजिस्ट्रेशन CSC में करना। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।